यूपी लोकसभा चुनाव के लिए 2014 और 2019 के बाद लगातार तीसरी बार पीएम मोदी ने मेरठ से चुनावी कैंपेन की शुरुआत की, जहां बीजेपी प्रत्याशियों के लिए पीएम ने वोट की अपील की तो इसके साथ ही विपक्षी दलों पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ये 2024 का चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, बल्कि ये विकसित भारत बनाने के लिए है। 2024 का जनादेश भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। साथियों, 2024 का ये चुनाव सिर्फ एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। कौन सांसद बने कौन न बने, इसका चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। पीएम मोदी ने इस दौरान अपने संबोधन में बड़ा दावा कर दिया, कहा हमारी सरकार तो अभी से अपने तीसरे कार्यकाल की तैयारी में जुट गई है, हमने तो आने वाले समय का रोड मैप बनाना भी शुरू कर दिया है। तीसरे कार्यकाल की तैयारी में अभी से जुट गई है, हम आने वाले 5 साल का रोड मैप बना रहे हैं। नई सरकार बनने के बाद पहले 100 दिनों में हमें कौन कौन से बड़े फैसले लेने हैं, इस पर तेजी से काम चल रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा, अभी तो आप लोगों ने सिर्फ हमारे विकास कार्यों का ट्रेलर ही देखा है, लेकिन अभी आने वाले समय में देश बहुत आगे जाने वाला है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। विकास का जो मोमेंटम बना वो अब और तेजी से आगे बढ़ेगा। इन 10 वर्षों में तो आपने विकास का ट्रेलर ही देखा है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। सीएम केजरीवाल की ईडी कैद को लेकर इंडिया गठबंधन ने रविवार को अपना शक्ति प्रदर्शन किया, जिस पर पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर तंज कसा। कहा आज जब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो रही है तो कुछ लोग बौखला गए हैं, परेशान हो गए हैं। मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं, वो अपना आपा खो बैठे हैं। और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कहता हूं, मोदी की गारंटी कहती है, मैं मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। यूपी में इंडिया गठबंधन के तहत सपा कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने पर भी पीएम मोदी ने विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। कहा इनको लगता है मोदी डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए तो मेरा भारत ही मेरा परिवार है। एक इंडी गठबंधन भी बना लिया है, इनको लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है, मेरा भारत मेरा परिवार है। इस तरह से पीएम मोदी ने मेरठ से हुंकार भर एक एक कर हर मुद्दे पर विपक्षी दलों को घेरा। बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही यूपी में पहले चरण के मतदान की शुरुआत होनी है, जिसके लिए पीएम ने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।